उधना स्थित अटल आश्रम ना मेहमान बनेला भारतीय अखाड़ा परिषद ना राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र पुरीजी महाराजे फिल्मों में भगवा रंगना विवाद मुद्दे पोताना विचार रजू कर्या हता। भारतीय अखाड़ा परिषद ना राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र पुरीजी महाराज सूरत में उधना स्थित अटल आश्रम में मेहमान बनया हता। आश्रम ना तपोनिधि संत विज्ञानंद जी ना आश्रम नी मुलाकाते आव्या हता। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद प्रमुखे जणाव्यु के फिल्म ना विषयों ने लईने घणी वखत विवादों सामे आवता रहे छे। भगवा रंग ने लईने चाली रहेला विवाद अंगे तेमणे निवेदन आपता कह्युं के सेंसर बोर्ड द्वारा दरेक मूवीनुं अवलोकन करवुं जोईए। मूवीमां ज्यारे विवादित दृश्य होय तो कोईनी धार्मिक लागणी दुभाय ए स्वाभाविक छे। आवा समये तेमणे वरिष्ठ संतो महंतोनो मत जाणवो जरूरी छे। लव जिहाद मुद्दे महाराजे जणाव्युं हतुं કે સૌ પ્રથમ માતા પિતાએ જ પોતાના સંતાન ઉપર ધ્યાન નજર રાખવું જોઈએ। યુવા પેઢીના સંસ્કારોની કમી બાબતે વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ। શાળાઓ અને કોલેજોનું વાતાવરણ ચારિત્રહીનતા તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે। શિક્ષણમાં ચારિત્ર નિર્માણનો સિલેબસ હોવો જોઈએ। જે રાજ્યમાં ચારિત્ર નથી તે રાજ્યનો વિનાશ થતા વાર લાગતી નથી। આ સાથે ડ્રગ્સ મુદ્દે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી। भारत की जो संस्कृति रही है, धर्म हमारे समाज का एक ऐसा भाग है, इसकी शुरुआत हमारे माता पिता से होती है और युवा पीढ़ी में संस्कारों की जो कमी हो रही है उसके ऊपर समाज को विशेष ध्यान देना चाहिए। खास करके धर्माचार्यों का और जो अध्यापक हैं उनका विशेष दायित्व है कि युवा पीढ़ी के जो कन्याएँ और लड़के हैं उनको चरित्र निर्माण की शिक्षा सिलेबस में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जिस राजा का चरित्र नहीं है उस राज्य को विनाश होने में समय नहीं लगता है। इसी प्रकार एक सामान्य घर का भी चरित्र होना आवश्यक है। जिस समाज में चरित्रवान लोग रहेंगे वहाँ सुख समृद्धि लक्ष्मी शांति सब कुछ रहता है। इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है, जिस प्रकार से नशे की ओर बढ़ाव हो रहा है, गुजरात में पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है, ये कहीं न कहीं चिंताकारक है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश रहा है यहाँ, गुजरात को उन्होंने विकसित राज्य बनाया, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं वो चिंताजनक हैं। माननीय गृहमंत्री जी ने पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता में कहा था कि क्विंटलों के हिसाब से ड्रग जो है समुद्र के रास्ते भारत आ रही है, तो भारत सरकार को और गुजरात सरकार को खास करके यहाँ के नागरिकों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और नशा हमारे समाज को अंदर से खोखला करता है। नशे की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाने के लिए जो भी तत्व जिम्मेदार हैं, पुलिस प्रशासन और शासन को इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें अगर धर्माचार्यों के सहयोग की आवश्यकता है तो हम लोग उसमें तत्पर हैं। ये बहुत वर्षों के बाद में एक ऐसा प्रधानमंत्री भारत में आया है जिसने सभी धर्मों के उत्थान के लिए कार्य किया है। सनातन धर्म के जो प्राचीन मंदिर थे जिनका जीर्णोद्धार का उन्होंने एक अभियान चलाया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर केदारनाथ, उसके बाद महाकाल जिसमें मैं गया था पीछे, और माँ विंध्याचली का। गुजरात के भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके ऊपर बहुत सी ऐसी परंपराएं थी जिनको उन्होंने जीत समाज की जो मांग थी उसके अनुसार कार्य किया है। तो राजा का धार्मिक होना आवश्यक है, लेकिन भारत एक विभिन्न धर्म संप्रदाय और मत का राष्ट्र है। इसमें सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण और व्यवहार समाज में करें।